close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. जैसे कि आप देख ही रहे हो कॉलेज में ही हूँ और अभी जस्ट क्लास शुरू होने वाले है, तो क्लास शुरू हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में, 120 का लेक्चर है और बस बाद में घर जाएंगे और बस यही सब सिचुएशन चल रही है। लेक्चर कौन सा है? पहला लेक्चर CN। तो गाइस पहला लेक्चर CN है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और बस अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा कुछ आई गेस 120 वन आवर के बाद खत्म हो जाएगा और बाद में बहुत और लेक्चर्स आज पूरे डे में आज लेक्चर ही है, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं तो वो खत्म करते हैं और बस मैं बाद में आपको मिलता हूँ। गाइड्स इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून एंड अभी हमारी रिसेस है और यहाँ पे लाइब्रेरी में ऑब्वियसली शूटिंग अलाउड नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, शायद से दिखता हो। तो ये है मेरी लाइब्रेरी, ये है, और यहाँ पे आप कोई भी बुक इश्यू करा सकते हो। जैसे ही मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैंने बहुत सारी बुक्स इश्यू कराई थी और बस यही है लाइब्रेरी, इससे आप यहाँ पे जाके इश्यू करा सकते हो कोई भी बुक। और ये मेरे सेकेंड फ्लोर पे हूँ और अभी बेल बजा है क्योंकि रिसर्च ओवर हो गई है। अब रिसर्च ओवर हो गई है इसलिए फिर से क्लास में जाएंगे, दो लेक्चर के बाद फिर से रिसर्च है, मतलब 10-10, 15-15 मिनट्स की रिसर्च होती है, इतनी कुछ लंबी नहीं होती है। गाइस वन ऑफ द फेवरेट जगह है हमारे अकबरी वडोदरा में, वन ऑफ द फेवरेट अभी फर्स्ट नंबर की है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं और जो थ्रेड है वो काफी अच्छी तरह से देखो पक रहा है, आप देख सकते हो ऑब्वियसली काफी अच्छी तरह से पक रहा है यहाँ पे थ्रेड, और यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको थ्रेड मिलेगा और मैंने भी यहाँ से ही थ्रेड कराया है और आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये देखो अच्छी तरह से पक्का जा रहा है थ्रेड और यहाँ पे काफी अच्छी तरह से थ्रेड अच्छी तरह से पक रहे हैं और बहुत सारे वर्कर्स एक्साइटेड है और वर्क काफी एक्साइटिंगली कर रहे हैं। और मकर संक्रांति जैसे ही नजदीक आती है वन ऑफ द बेस्ट नाम अकबरी का ही आता है, और ये देखो आपको सभी कलर्स में मिल जाएंगे, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे पिंक और ऑरेंज कलर भी होगा आपको, और मतलब कोई भी कलर आप मांग लो, प्राइस सभी की डिफरेंट होगी, आप कलर मांगो उसके मुताबिक एज वेल एज आपको जो भी उसका थ्रेड लेना हो तो वो थ्रेड आप यहाँ से ले सकते हो, अब यहाँ से आपको थ्रेड मिल जाएगा, अब थ्रेड यहाँ पे आपको सभी तरह के मिल जाएंगे, फिर आप देखो साकड़ा देख लो, फिर 24 कैरेट्स देख लो, फिर गैंडा देख लो, फिर चेन देख लो, और भी बहुत सारी तरह के आपको यहाँ पे सभी तरह के थ्रेड मिल जाएंगे, वो प्राइस पे डिपेंड होगा आप कौन से तरह के थ्रेड ले सकते हो, और सभी में आपको प्राइस डिफरेंस 19-20 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वो डिपेंड होगा कि आप कितना थ्रेड ले हो, और बाद में यहाँ पे प्राइस भी लिखी गई है सभी चीजों और सभी थ्रेड्स की प्राइस लिखी गई है, उसके मुताबिक ही आपको थ्रेड परचेस करना है और यहीं दे देना है थ्रेड। मैंने देखो यहाँ पे ये एक और ये एक दो थ्रेड्स कराए, और एक ये वाला मेरे पापा के लिए और ये वाला मेरे लिए, और मैंने कराया साकड़ा जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके अलावा आपको 1K56 मिल जाएगा, गैडा मिल जाएगा, और भी बहुत तरह के यहाँ पे थ्रेड्स मिल जाएंगे जो आपको ऑब्वियसली दिख रहे हैं, और गैंडा वगैरह वगैरह, और जो बेस्ट है उसकी प्राइस सबसे हाई होगी और वो सबसे ज़्यादा पतंग काटने की क्षमता रखेगा। अगर आपने ऐसे थ्रेड बनाने को बोला होगा तो ये जो मेरा थ्रेड इसमें आया है वो ही इसमें आके, ये एक ही थ्रेड है और ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स है, ऐसा नहीं है कि खाली एक फिरकी हो और थ्रेड अगर आप ये और ये दोनों मिक्स करके यहाँ पे एक में या दो में लगा दे, वैसा नहीं है, कोई एक थ्रेड बनाने को इतनी फिरकी आपने बोली होगी थ्रेड बनाने के लिए तो वो एक ही व्हील्स में लगेगी। यहाँ पे सब वर्कर्स काम कर रहे हैं आप देख सकते हो, और
बहुत सालों से यार, काफ़ी सालों से ये सब चीज़ें चल रही है यहाँ पे, और सभी लोग काफ़ी मेहनत करके वर्क कर रहे हैं ये लोग, और से ये सब बना रहे अपना कलर वगैरह। और देखो ऑरेंज कलर, सभी कलर आपको मिल जाएगा, प्राइस डिफरेंस अलग अलग होगी, फिर आप देख लो कोई भी कलर ले लो। यहाँ पे देखो ये एक पिंक कलर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर, वहाँ पे पिंक कलर, मतलब सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको थ्रेड मिल जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ से थ्रेड को भेज रहे हैं और अच्छी तरह से वो लोग इसमें मटेरियल डाल के सब कलर वाला डाल के, तो इसकी मदद से जब ये थ्रेड पक जाएगा, जब ये थ्रेड स्ट्रांग हो जाएगा, तब ऑब्वियसली आपकी पतंग रेडी हो जाएगी और पतंग सभी पतंगों को काट डालेगी। और देखो यहाँ पे देखो कि कितनी अच्छी तरह से सब थ्रेड मिक्स हो रहे हैं कलर्स में, और ये देख सकते हो आप, यहाँ से शुरू किया था और आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर जुबली भी कंप्लीट हो गई है। देखो दूरा कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे दिखा गया है, ऑब्वियसली कैसे लपेट रहे थे दूरा, चक्के पे दूरा कैसे लपेट रहे। हाँ, पैसे पहले ये सब सुविधा नहीं थी मशीन की, इसलिए ये देखो कैसे सब लपेट रहे थे अच्छी तरह से, मिक्स व्हील्स में लगा रहे थे थ्रेड, और आप देख सकते हो देखो हाथ से घुमाते थे, हाथ से घुमाते थे, और ये आप देख सकते हो देखो बहुत सारी पिक्चर्स है यहाँ पे। गाइस सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं थर्सडे का फिटनेस थर्सडे का एपिसोड शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हो गया था बिजी और इसलिए शूट नहीं कर पाया फिटनेस थर्सडे का एपिसोड, और भूल भी गया था। और फ्राइडे के फिल्मी फ्राइडे के एपिसोड में होपफुली आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये एपिसोड मैं फ्राइडे के दिन एंड में लाता हूँ अपने व्लॉग के एंड में, कि आज फ्राइडे के दिन कौन सी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई। आज के दिन दो मूवीज रिलीज हुई, पहली मूवी रिलीज हुई एक सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज डायरेक्टेड बाय अभिजीत देवनाथ, एंड इसमें आपको दिखेंगे कुछ वरुण खंडेलवाल, और एज अ कास्ट ये दिखेगी ड्रामा मूवी है, और इसे आप सर्च करोगे गूगल पे तो इसकी रिलीज डेट आपको बहुत पहले की दिखेगी, 2017 की दिखाएगी। बट अब मेरे को पता नहीं है कि क्या ये मूवी रिलीज की गई है या फिर ये मूवी पता नहीं क्या किया है, ये मूवीज क्या रिलीज की है या फिर वो तो एक फेक था, ये कुछ दूसरा बता रहा है, अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। बट वरुण खंडेलवाल एक अच्छा एक्टर है यार, और उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी होती है। अब ये मूवी का मेरे को एग्जैक्टली सिचुएशन पता नहीं है अभी तक, इसलिए मैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहता हूं नहीं। गाइस दूसरी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है कानपुर के शोले, डायरेक्टेड बाय अलम सिद्दीकी, एंड एज अ कास्ट आपको दिखेंगे अजय त्रिपाठी इसमें, और ये ड्रामा मूवी है। और ये जो दो मूवी है वो रिलीज हुई आज फिल्मी फ्राइडे में। अब ये जो मूवी है इसका नाम तो आपने कहीं सुना नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा, बट ये मूवी कुछ ऐसी होती है जो जिसकी स्टोरी काफी अच्छी होती है। और बस यही था आज का ब्लॉग, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग डेली लेके आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑल्सो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन ऋषभ सिनोरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ब्लॉग। If you like it, then please press the like button. Goodbye, stay safe, and bye-bye.